अब कुछ ऐसा दिखेगा आपका डीएल और आरसी। देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम भी बदल गया है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल गया है। यानी अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक जैसा होगा। नए नियम के मुताबिक स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में क्यूआर कोड और माइक्रोचिप होंगे। क्यूआर कोड और चिप में पुराना सारा रिकॉर्ड होगा। डीएल में लगी माइक्रोचिप और क्यूआर कोड में आपकी पूरी जानकारी होगी और इन्हीं की मदद से केंद्रीय डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में सारा रिकॉर्ड मिल सकेगा। क्यूआर कोड को रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस भी दिए जाने की योजना है। हर डीएल के पीछे एक इमरजेंसी नंबर लिखा रहेगा ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क कर सकेगा। पहले डीएल और आरसी के लिए हर राज्य में अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट तैयार थे, जिसकी वजह से इन पर दी गई जानकारियां कुछ आगे और कुछ पीछे की तरफ प्रिंट थी। लेकिन अब नए नियम से डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी एक ही जगह पर होंगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करने के बाद क्या फायदा होना है। दरअसल अभी तक कागज की ही आरसी मिलती थी, जिसे फटने और पानी में खराब होने का डर रहता था, लेकिन अब ये डर जल्द खत्म होगा। नए डीएल में भी चिप के बाद अब क्यूआर कोड रहेगा, इससे असली नकली की पहचान आसानी से हो जाएगी। इस नए नियम से हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी का कलर और छपाई एक जैसी होगी। साथ ही आरसी और डीएल में जानकारियां एक ही जगह होंगी, क्योंकि पहले फॉर्मेट अलग था और जानकारियां भी अलग अलग हुआ करती थी। तो अगर अभी तक आपने अपना नया डीएल और आरसी नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा लें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।